इस मशीन के अंदर टेक्नोलॉजी वाइज मैं आपको बताना चाहूं कि दो यूनिट्स होती हैं। एक ये जो यूनिट है ये मैं आपको सबको बताता हूं, ये कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट के अंदर वोट इकट्ठे किए जाते हैं। जो दूसरी यूनिट होती है इसको बैलेट यूनिट कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस बैलेट यूनिट को देखा होगा। हम जब वोट डालने जाते हैं तो जिस पार्टी को हम वोट डालना चाहते हैं उस पार्टी के सामने वाला हम बटन दबाते हैं और वोटर को दिल में ऐसा यकीन होता है कि मेरी वोट उस पार्टी को चली गई। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसके दो यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, अगर आप वोट डालने कभी भी जाएंगे तो ये वाली यूनिट हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, मतलब जो अफसर वोट डलवाता है उसके पास होती है, करीब 5 मीटर दूर, यानी वहां पर रखी होती है। और ये वाली जो यूनिट होती है ये गत्ते के डब्बे के अंदर रखी होती है, जहां पे वोटर जाता है और बिना किसी को दिखाए कोई बटन दबाता है और वोट इस मशीन के अंदर यहां दर्ज हो जाती है। इस मशीन को हम ऑन करेंगे, ये मशीन मैंने ऑन की, आप इसका डिस्प्ले पे थोड़ा अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये बटन दबाता है और इसका मतलब ये मशीन वोट डालने के लिए तैयार है। और जो पहला आया, आप इस पे दिखाइए, ये वाला जो पहला वोटर आया उसने झाड़ू पे बटन दबाया तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की एक वोट हो गई। दूसरा वोटर आया, उसने हाथी के आगे बटन दबाया, हाथी के आगे वाला लाल बटन दबा, मशीन में आवाज आई, वोटर को लगा मेरा वोट जो है वो हाथी पे चला गया। तीसरा वोटर आया, उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया, लाइट जली, आवाज आई, बीजेपी को वोट चला गया। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया। पांचवा वोटर आया, उसने साइकिल पे बटन दबाया। आप लोगों के सामने मैंने पांचों पार्टियों को एक एक वोट दिए, तो आप मेरी सहूलियत के लिए, ताकि मैं मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को यकीन हो रहा है कि कहां वोट जा रही है, आप मुझे यह बताइए कि आम आदमी पार्टी को कितने वोट पड़े, बहुजन समाजवादी को कितने वोट पड़े, भारतीय जनता पार्टी को कितने पड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। इसी तरीके से एक एक वोट मैं और डाल लेता हूं और एक मॉक टेस्ट है, जैसे सुबह सुबह दिखाया जाता है कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, वो आपको करके दिखाता हूं। और आप जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह सबको दिखाया जाता है कि भाई साहब मैं काउंटिंग करके दिखाऊंगा आपको, टोटल वोट 10। कैंडिडेट 4 को 2 वोट, कैंडिडेट 5 को 2 वोट, कैंडिडेट 6 को 0 वोट, कैंडिडेट 7 को 0 वोट, कैंडिडेट 8 को 0 वोट, कैंडिडेट 9 को 0 वोट, कैंडिडेट 10 को 0 वोट, कैंडिडेट 11 को 0 वोट। और अब मैं इस मशीन को दोबारा से खाली कर दूंगा, एक बार और दिखा दूं, मैं एक बार और दोबारा दिखाता हूं। और अब सुबह के 8 बज गए हैं, असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है, जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा। तो आमतौर पर ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो, तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज्यादातर जैसा होता है उसने झाड़ू पे बटन दबाया। तो ये एक वोट झाड़ू पे पड़ गया, नहीं दिख रहा नहीं, वो दिखेगा उस पर भी कुछ है नहीं, डिस्प्ले आएगा नहीं। अब दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया। तो अभी आम आदमी पार्टी पे एक वोट और हाथी पे एक वोट। तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला, तो अभी तीनों पार्टियों को एक एक वोट। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को एक एक वोट। पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए, एक एक वोट दे दिया।
अब हम इन पांचों पार्टियों को एक एक वोट और देंगे ताकि पांचों पार्टियों के दो दो वोट हो जाए, कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन पांच लोगों में से किसको जिताना है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। ये जो है ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किए इस मशीन के अंदर, ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है और जितने भी वोट आप 10 बजे के बाद डालेंगे वो सीधा झाड़ू पर डालेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 123412। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है, और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। हो सकता है कई बार बीजेपी का कैंडिडेट पांचवें नंबर पे हो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी में तीसरे नंबर पे हो, किसी में सातवें नंबर पे हो, तो आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग कोड डालेंगे। कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला, और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब वोटर वोट डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होता है और उसका हाथ लगभग वहीं पे होता है। लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया, या वोट देख रहा है अपनी। जिस वक्त वो आवाज हुई उस गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानों कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। ये हमारी वोटिंग थी जो असली में वोटिंग दी गई थी। आम आदमी पार्टी के दो वोट, बीएसपी के दो वोट, बीजेपी के तीन वोट, कांग्रेस के दो वोट और सपा के दो वोट। अब हम ये मान लेते हैं कि 10 बजे के बाद, हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और हैं और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली और हम देखेंगे कि आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, उसको मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो अब जो अगला वोटर आया उसके लिए मशीन खोली गई, उसने ये झाड़ू पे बटन दबाया, एक वोट। फिर मशीन खोली गई, झाड़ू पे बटन दबाया, कितने हो गए? दो पहले थे, दो ये हो गए, कितने हो गए? चार वोट। फिर मशीन दबाई, एक और वोट डाला, कितने हो गए? पांच वोट। आम आदमी पार्टी के कितने हो गए? पांच वोट। बीजेपी के कितने थे? तीन। अब फिर बटन दबाया और फिर झाड़ू पे दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू पे कितने हो गए? छह। फिर एक वोटर आया और उसने फिर झाड़ू पे बटन दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू पे कितने हो गए? फिर एक वोटर आया, फिर झाड़ू बटाई, बीजेपी के तीन, झाड़ू के आठ। फिर एक वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, कितने हो गए झाड़ू के? नौ। बीजेपी के कितने हैं? फिर वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, बीजेपी के तीन, झाड़ू के दस। अब मान लेते हैं कि बीजेपी को तीन वोट पड़े, झाड़ू को दस पड़े, बाकी सबको दो दो पड़े। अब जो असली गिनती हो गई वो ये हो गई कि झाड़ू के दस हो गए, दस दो तीन, तीन दो। अब ये वो मतगणना है जो असली में वोट डाले गए थे, टेंडर्ड वोट्स थे, जो असलियत में वोट इस मशीन के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई थी। तो अब जब 26 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी तो आपके काउंटिंग एजेंट आएंगे, आपके कैंडिडेट आएंगे, वो दोबारा से अपनी सील को देखेंगे कि जी सील तो ठीक है, और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं अब आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन,
जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। तो कैंडिडेट वन जो है वो आम आदमी पार्टी है, टू जो है वो बीएसपी है, थ्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, चार जो है वो कांग्रेस है, पांच जो है वो समाजवादी पार्टी है। इसको अब ध्यान से दिखाना अपने को। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं, टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवे को 2। अच्छा अध्यक्ष जी, तो मैं सब लोगों की जानकारी के लिए ये आपके आगे दो पिक्चर रख रहा हूं कि ये जो मेरे हाथ में इधर है गुलाबी वाला, वो वोट है जो प्रजातंत्र के अंदर आस्था रखने वाला गरीब आदमी, जो ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो रिगिंग है, ये जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को आप में से कोई आदमी कभी नहीं पकड़ पाया और ना पकड़ पाओगे। और जब साइलेंट प्लीज, काउंटिंग हुई प्लीज प्लीज, और जब काउंटिंग हुई तो ये जो नीले वाला जो मैंने रखा है उसके अंदर आया कि आम आदमी पार्टी को 2 वोट मिले, बीएसपी को 2 वोट मिले, बीजेपी को 11 वोट मिले, कांग्रेस को 2 वोट मिले।